Hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है जहाज़ेब. और गाइस, आज जो फ्रेगरेंस मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, इस फ्रेगरेंस को शेयर करने के लिए आपसे मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. बहुत ही अमेजिंग फ्रेगरेंस है ये वाली, और आजकल मेरी बड़ी फेवरेट फ्रेगरेंस है. मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ इस फ्रेगरेंस को, और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये फ्रेगरेंस बहुत पसंद होगी. तो गाइस, इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि इस फ्रेगरेंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ आपके साथ, ताकि आप फ्रेगरेंस अगर यूज़ भी कर रहे हैं ये वाली, तो कुछ ना कुछ इस फ्रेगरेंस के बारे में सीख सकें और इस फ्रेगरेंस को और इन्जॉय कर सकें. जब आप लगाएं तो आपको पता हो कि फ्रेगरेंस में है क्या, कौन से नोट्स हैं इस फ्रेगरेंस में, और फ्रेगरेंस लास्ट कब तक करती है. तो कुछ इस तरह की बातें इस फ्रेगरेंस के बारे में शेयर करूंगा गाइस आपसे. तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू. तो गाइस, जिस फ्रेगरेंस की मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे पास है एलियोर होम स्पोर्ट ओ एक्सट्रीम. यहाँ पे EDP वर्जन है मेरे पास. बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस है, शनैल की फ्रेगरेंस है ये वाली. तो गाइस, इस फ्रेगरेंस को ख़रीदने से पहले मैंने स्टोर में काफ़ी दफ़ा ट्राई की, कार्ड्स के ऊपर ट्राई की, हाथ के ऊपर ट्राई की, और मैं कार्ड्स काफ़ी दफ़ा वो पहले अपने घर पे लेके आया, जहाँ पे काफ़ी देर तक मैं उस कार्ड्स को स्मेल करता जिनके ऊपर मैंने स्प्रे की थी. तो काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने इस फ्रेगरेंस को ख़रीदने में, मगर फाइनली जब मैंने इस फ्रेगरेंस को ख़रीदा और यूज़ किया, तो मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ इस फ्रेगरेंस को अभी. तो इससे पहले जो इसका वर्जन आ चुका है एक एलियोर होम स्पोर्ट, मैंने वो भी ट्राई किया. आई थिंक वो थोड़ा सा लाइट है इस फ्रेगरेंस से, तो मुझे थोड़ी सी डार्क और स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस पसंद है, तो मैंने ये वाली पिक की अपने लिए. वो एक्सट्रीम मुझे ज़्यादा अच्छी लगी. तो गाइस, मुझे लगता है कि फुल बॉडी फ्रेगरेंस है, राउंडेड फ्रेगरेंस है, मज़ा आता है इसको पहन के, तो मैंने ये वाली चूज़ की. तो गाइस, यहाँ पे इसकी प्राइस शेयर करता चलूँ आपसे, कि जो इसकी 100 ml की प्राइस है वो $175 है यहाँ पे प्राइस. तो सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं गाइस. बहुत ही प्यारी बॉटल है यहाँ पे, मेटल की बॉटल है यहाँ पे. थोड़ा सा डार्क है ये वाला, जो इससे पहला वर्जन आया था उसका थोड़ा लाइट सिल्वर कलर है, और ये जो आती है यहाँ पे EDP वर्जन, यहाँ पे ओ एक्सट्रीम थोड़ा सा डार्क कलर दिया गया है. सामने ओ एक्सट्रीम लिखा गया है, और जो स्पोर्ट है वो यहाँ पे रेड कलर में लिखा है. और जब बॉटम की बात हम कहते हैं, तो यहाँ पे बॉटम में EDP वर्जन 100 ml, और जहाँ से ये फ्रेगरेंस बनी है मेड इन फ्रांस, वो लिखा गया है गाइस. और जो बैक है यहाँ पे, उसके पीछे यहाँ पे बैच कोड नंबर लिखा गया है. तो बैच कोड के बारे में एक बात क्लियर करता चलो, मैंने लोगों को देखा है काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं बैच कोड में. तो यार, मैं एक चीज़ कहूँगा कि फ्रेगरेंस होती है पहनने के लिए, इन्जॉय करने के लिए होती है, तो ज़्यादा बैच कोड वगैरह की फिक्र मत किया करें. फ्रेगरेंस लें, उसको पहनें और इन्जॉय करें. फ्रेगरेंस इसीलिए होती है ताकि आप पहने इन्जॉय करें, ना कि आप फ्रेगरेंस को अपनी शेल्फ पे रख दें बैच कोड की वजह से कि अच्छा बैच कोड है या बहुत पुराना बैच कोड है, तो उसको यूज़ नहीं करना है, संभाल के रखना है. तो आई थिंक आप इन्जॉय नहीं कर रहे इस तरह फ्रेगरेंस को अपनी को, या कोई भी आप परफ्यूम लेते हैं, तो आई थिंक ट्राई करें, पहने उसको, इन्जॉय करें, नई बॉटल लें, और संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है गाइस उसको. तो गाइस, ये जो फ्रेगरेंस है आप हर वेदर में इन्जॉय कर सकते हैं, चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, मगर जो इसके अंदर नोट्स हैं, आई थिंक गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा शाइन करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आप ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. मगर सर्दियों में भी ये फ्रेगरेंस जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है. आजकल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सर्दी है, यहाँ पे मेलबर्न में काफ़ी सर्दी है, और मैं इस फ्रेगरेंस को लगा रहा हूँ, तो 5 से 6 घंटे मैं इस फ्रेगरेंस को बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय करता हूँ. फ्रेगरेंस का मज़ा आता है लगाने का ये वाली फ्रेगरेंस. तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि हर वेदर में आप इन्जॉय करेंगे इसको, और गर्मियों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्म करेगी. तो गाइस, तो इसके लिए ओकेजन्स है, आई थिंक हर कोई ओकेजन्स कुछ भी हो, डेट्स हों या आउटडोर पार्टीज़ हों, इंडोर पार्टीज़ हों. इंडोर के लिए मैं कहूँगा कि आई थिंक 2 से 3 स्प्रे काफ़ी होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर स्प्रे मत करना इंडोर के लिए. और काफ़ी फुल बॉडी फ्रेगरेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है मेरे लिहाज से. अगर आप इंडोर में हैं तो 2 से 3 स्प्रे काफ़ी होंगे इस फ्रेगरेंस के. और अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कहीं पे, या कॉफ़ी वगैरह के लिए कहीं पे जा रहे हैं, तो आई थिंक फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त है ये वाली, आपको ट्राई करनी चाहिए. और जहाँ पे बात आती है इसकी परफॉर्मेंस की और प्रोजेक्शन की गाइस, तो मेरी स्किन के ऊपर 5 से 6 घंटे बहुत अच्छा फ्रेगरेंस प्रोजेक्ट करती है. कपड़ों के ऊपर स्प्रे करने पे 8-10 घंटे लास्ट कर जाते हैं, पूरा दिन ऑलमोस्ट लास्ट करेगी कपड़ों के ऊपर स्प्रे करने से. तो गाइस, जो प्रोजेक्शन की बात है इस फ्रेगरेंस की, जो प्रोजेक्ट करती है फ्रेगरेंस, तो स्प्रे करने पे आई थिंक 1 से 2 घंटा जो है फ्रेगरेंस बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है. आई थिंक 2 फीट तक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है. तो गाइस, जो सियाच है इस फ्रेगरेंस की, वो 3 से 4 फीट तक रहती है, नोटिसेबल होती है, फील होता है कि किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है. तो गाइस, अब बात करते हैं इसके नोट्स की. तो जो टॉप नोट है उसके अंदर ऑरेंज, मिंट, सेज और साइप्रस है. जो मिड नोट है उसके अंदर ब्लैक पेपर है. तो जो बेस नोट है उसके अंदर मस्क, सीडर, सैंडलवुड और टोंकाबीन है गाइस. तो यहाँ पे अपने हाथ पे अब मैं स्प्रे कर रहा हूँ परफ्यूम, ताकि आप लोगों से और शेयर कर सकूँ बेटर तरीके से इस फ्रेगरेंस को. ऑलरेडी मैंने अपने हाथ पे स्प्रे किया हुआ है थोड़ी देर पहले, अब ड्राई हो चुका है, मगर मैं दोबारा स्प्रे करूँगा ताकि मैं दोबारा आपको बेटर तरीके से बता सकूँ. एटमाइजर काफ़ी अच्छा है इस फ्रेगरेंस का, और मज़ा आता है इस फ्रेगरेंस को. बहुत ही कमाल की फ्रेगरेंस है गाइस ये वाली, और जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं की, डेफिनेटली आपको चेक करनी चाहिए ये वाली फ्रेगरेंस, ट्राई करें. और आई थिंक ये इस तरह की फ्रेगरेंस है कि आप ब्लाइंड बाय कर सकते हैं, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे इस फ्रेगरेंस से.
तो गाइस जिस टाइम आप यहाँ पे स्प्रे करते हैं यहाँ पे अपनी स्किन के ऊपर, यहाँ पे आपको नोट मिलता है मेंट का फॉरन स्प्रे करने के बाद, और उसके चंद सेकंड के बाद आप पे पिक कर सकते हैं ऑरेंज को, मैंड्रीन को। यहाँ पे मैंड्रीन की तरफ से एक फ्रूटी नोट आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सिट्रस आ रहा है, सिट्रस नोट मिल रहा है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे साथ सेज का नोट मिलता है। मगर जो स्टार्टिंग है, जो मैंड्रीन और मिंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिट्रस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, साइप्रस और सेज का यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिलता है यहाँ पे, मगर जो ऑरेंज और मिंट है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। फ्रेगरेंस जो है 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर अपने मिड नोट्स के अंदर पहुंचती है, जहाँ पे ब्लैक पेपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फ्रेगरेंस 10 से 15 मिनट के अंदर अपने मिड नोट तक पहुंचती है, जो यहाँ पे ब्लैक पेपर यहाँ पे जो ऐड हो रहा है फ्रेगरेंस के अंदर, थोड़ा इसको स्पाइसी बना रहा है। और यहाँ पे ब्लैक पेपर के साथ साथ गाइस आपको टोंका बीन मिलेगा। टोंका बीन बेस नोट के अंदर है, मगर यहाँ पे टोंका बीन जो है मिड के अंदर स्टार्ट हो रहा है। जो फ्रेगरेंस है यहाँ पे फ्रूटी है, साथ में ब्लैक पेपर का टच आ रहा है, ब्लैक पेपर स्पाइसी बना रहा है, पर यहाँ पे टोंका बीन ऐड हो रही है मिड नोट्स के अंदर, जिसको और स्वीटनेस दे रही है यहाँ पे। तो गाइस फ्रेगरेंस जो है मिड नोट्स के बाद अपने ड्राई डाउन को जैसे जैसे चलती है, तो मज़ा तब फ्रेगरेंस का यहाँ पे स्टार्ट होता है। फ्रेगरेंस थोड़ी सी और वार्म और थोड़ी सी और फुल बॉडी होना शुरू होती है, थोड़ी सी और रिच होना शुरू होती है। तो गाइस जैसे फ्रेगरेंस अपने बेस नोट के ऊपर पहुंचती है, यहाँ पे सैंडलवुड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आपको वुडी नोट्स मिलते हैं, मस्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और टोंका बीन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे जब आप बेस नोट के ऊपर पहुँचते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे आप चल फिर रहे होते हैं बॉडी थोड़ी वार्म होती है, तो फ्रेगरेंस उसके साथ साथ और स्ट्रॉन्ग होती है ये वाली। जैसे जैसे आप चलें फिरेंगे या कुछ काम कर रहे हैं साथ साथ ये फ्रेगरेंस पहनी हुई है, तो फ्रेगरेंस जो है वो ज़्यादा वार्म होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अपने टाइम के साथ साथ। तो बड़ा मज़ा आता है इस फ्रेगरेंस को पहनने का गाइस। तो आई थिंक किसी भी ओकेजन्स के लिए, जैसा मैंने बताया, परफेक्ट है, स्पोर्ट फ्रेगरेंस है। तो इस फ्रेगरेंस को गाइस आप जिम के लिए भी पहन सकते हैं, मैक्सिमम एक या दो स्प्रे इनफ होगा जिम के लिए इस तरह की फ्रेगरेंस को। तो गाइज़ ये था रिव्यू इस फ्रेगरेंस के बारे में, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। अगर आपने ट्राई नहीं किया अभी तक तो लाजमी ट्राई करें। अगर इसका सैंपल मिलता है कहीं से, या सैंपल अगर आप पहले ट्राई करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरह की फ्रेगरेंस अगर आप ब्लाइंड बाय भी कर रहे हैं तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये ऐसी फ्रेगरेंस है गाइज कि कोई भी डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकता इस फ्रेगरेंस से, इतनी प्यारी फ्रेगरेंस है ये वाली गाइज। तो गाइज़ ये था मेरा रिव्यू एलियो होम स्पोर्ट ओ एक्सट्रीम के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें मज़ीद और वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।